तो आज अपन लोग दोबारा खेलने वाले हैं पस सिम्युलेटर, क्योंकि गेम में आ चुका है एक न्यू अपडेट। एंड वेल भैया, इस वाले अपडेट के अंदर गेम में बहुत कुछ आया है, लेट मी शो यू। एक्चुअली है ना, तो वेल भैया, जैसा तुम देख सकते हो गेम के अंदर आया है एक न्यू वर्ल्ड, ड्रैगन वर्ल्ड। एंड उसके अलावा 40 मिलियन वाला अंडा, जिसको आज अपन लोग खोलेंगे और ट्राई करेंगे इसके पावरफुल बंदी को लेने की। इवन तो मैंने देखा नहीं उसकी रेयरिटी क्या है, बट देखते हैं। एक्चुअली है ना, उसके अलावा इन्फर्नल फैमिलियर पैट, देखते हैं इसको भी। ओके, लिमिटेड यूज और वगैरह वगैरह, ये तो कछु काम के नहीं है, लीव इट अलोन। और उसके अलावा, ओ हियर इट इज, 40 मिलियन वाला अंडा और वेट व्हाट, 0.000, व्हाट द हेक, ओए ओए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये? हेलो, कितना रे यार, देखियो जरा, 0.0002%। बॉय डोंट टेल मी, ये भैया गॉड लेवल का बंदा है यार। क्योंकि लास्ट एपिसोड में जैसा तुम्हें पता है भैया, हेलोवीन अपडेट आया था, जिसका जो सबसे रेयर बंदा है ये वाला ह्यूज पंपकिन पैच, ये अपने को मिल चुका था। और उसके अलावा एक क्यों बेस्ट कर लेती है, और यू आर राइट, एक्चुअली है ना, यू आर राइट, इसको अपन लोग ट्राई करेंगे। और इसके लिए अपने को चाहिए 20 ट्रिलियन। वेल मेरे पास उससे ज़्यादा पावर है, तो इसको मैं आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। बट उससे पहले नए वर्ल्ड में जाने की ट्राई कर लेती है, अगर जा पाए तो। और उसके अलावा गिफ्ट में आ जाते हैं क्लेम इट, क्योंकि राम राम जपना पराया माल अपना, एक्चुअली है ना। एंड इसमें अंडा खुला, जिसमें अपने को एक रेयर निंजा मिला। ओके, रेयर निंजा जो आए, मतलब या क्या ही स्ट्रॉन्ग होगा, बट देख लेते हैं ना। ये रहा जो ऑब्वियसली कहाँ स्ट्रॉन्ग होगा भाई। एंड उसके अलावा जैसा तुम देख सकते हो, गेम का यूआई थोड़ा चेंज हो चुका है, काफ़ी कुछ बदल चुका है। और उसके अलावा यहाँ पर एक टेलीपोर्ट का बटन आ चुका है, जिससे अपन अगले वर्ल्ड में जा सकते हैं। और बाय द वे, ओके हियर ड्रैगन वर्ल्ड, बट उस तक जाने के लिए भाई कितने सारे वर्ल्ड है यार, देखियो। ओ बॉय, अपने को दिक्कत आने वाली भर भर के, एक्चुअली है ना। बट उसके अलावा मेरे हिसाब से गेम बूस्ट भी कर दिया होगा, तो देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। और उसके अलावा एक और गिफ्ट रह रहा है, इसको भी क्लेम कर लेते हैं, 2x विन बूस्ट, चलेगा मेरे को, चलेगा, ठीक है। एंड बाय द वे भैया, यहाँ पर अपन कहाँ तक आ गए थे लास्ट एपिसोड में, क्या मैं इस मरमेड को पेल डिफीट कर सकता हूँ? चूज बोनस फॉर 5 मिनट, मतलब मे भी लॉग इन रहने पर मिला होगा, काइंड ऑफ एक्चुअली है ना। ऑल राइट, तो इस मरमेड को डिफीट करने के लिए अपने को कितनी पावर चाहिए, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है। हाँ, कतई वियर्ड, एक्चुअली कतई वियर्ड है ना। एंड इसके लिए मेरे को चाहिए 217 SP, यार कम ऑन, चली जा तू यहाँ से। और आई गेस मैं इस गेम, इस वाली मैप के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को डिफीट कर सकता हूँ, जो है अपना ज्यूस, मे बी, एक्चुअली देखते हैं, चलो ठीक है। एंड इसके लिए अपने को चाहिए भैया 5.85, बहुत ज्यादा मांग रहे हो यार, ओए कम कर लो थोड़ा, इतना ज्यादा मतलब कम हो यार, ऐसे थोड़ी हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पर है सीजन 3, जिसके अंदर अपने को क्या ही मिलेगा। हाँ मतलब I don't think so, but एक काम कर लेते हैं, अपन आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर है भैया पहला टास्क, हैच एग, देन 1 घंटा 30 मिनट वेलभाड़ में जाओ, डिफीट बॉस 75 times, ओह नाइस, एंड दैट्स ऑल रियली। ओह हाँ, डेली वाले हैं एक्चुअली है ना, जिनको आई कांट क्लेम, फाइट 1v1, 1 vs 1। अब ये बॉस वाली फाइट की बात कर रहे हैं या भैया प्लेयर वाली फाइट की बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर प्लेयर वाली फाइट हुई तो ऐसी तैसी कराओ लिटरली, क्योंकि आई डोंट केयर अबाउट इट। ओके, बट अगर तुम लोग भैया इन मॉब वाली फाइट की बात कर रहे हो, तो मैं इनको जीत सकता हूँ, 75 हो चाहे 10,000 हो, आई डोंट केयर, बस मतलब हो काय देखी एक्चुअली है ना। एंड ये प्लेयर वाली फाइट है, बहुत ही अच्छे। और उसके अलावा भैया 1200 XP मिलेगी अपने को, अगर अपन 12 घंटे रहेंगे गेम में, भाड़ में जाओ 2500 अंडे खोलने पड़ेंगे अपने को, जिससे 450 में भी ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यार डेफिनेटली आज अपन इतने अंडे तो शायद खोल ही लेंगे, क्योंकि मेरे को भैया वो रेयरेस्ट बंदा चाहिए। चलो देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। और उसके अलावा यहाँ पर अपने को बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले बंदे के लिए भैया भर मात्रा में पावर चाहिए अपने को, तो 791 QD, I can't, क्योंकि उसके लिए मेरे को चाहिए 1.8,
अबे ज्यादा ना चाहिए यार, अभी कर लूंगा ये तुम्हें यार। एंड वेल मेरे हिसाब से मैं अब ले सकता हूँ उसको, है ना? ओह ये डेफिनेटली, एक्चुअली डेफिनेटली ओके। एंड इससे अपनी पावर कितनी इंक्रीज हुई है, पहले 480 मिल रहे थे, अब 481 मिल रहे हैं। मैं बात ही नहीं करनी कोई, ठीक है? मैं कोई बात ही नहीं करनी। अब मैं इस देश में रह ही नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्या फुद्दू बना है यार, लिटरली अद कर रहे कहते यार। और बाय द वे डिवाइन वर्ल्ड में जाने के लिए अपने को 12 ओ की नीड होने वाली है। वाओ, और बाय द वे उस कम होने यार, मेरे को फाइट ही नहीं करनी अब किसी के साथ, इन लोगों ने मेरे को निराश कर दिया है। और बाय द वे कह रहा है मतलब वेट अपनी वो क्विस्ट थी ना, मैं दोबारा देखने दो मेरे को एक्चुअली, है ना? यहाँ डेली ओके। हाँ तो यहाँ पर अपने 35 लोगों के नाल बैटल लड़ना है, देन अपने को क्या बोले वो क्विस्ट पूरी होगी अपनी, ठीक है? तो फॉरेस्ट में चल लेते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे नूब मिलेंगे, सालों को पछाटी मारेंगे। या यू आर राइट, या मैं बहुत दर्द बहरा इंसान हूँ, मुझे पता है एक्चुअली, ना? या आई जस्ट न्यू इट ओके। एंड जैसे मैंने कहा तो यहाँ पर एक शिकार मेरे को दिख चुका है, तो या यू आर राइट, जस्ट होप कि वो आ जाए, कर लेते हैं, होप कर लेते हैं। एंड वेल यहाँ मैच स्टार्ट हो चुका है, एंड मैंने कतई भी इन लोगों को जबरदस्ती बुला के नहीं लाया हूँ कि भाई मेरे नाल बैटल लड़ो, मैं तुम लोगों को जीतने पर इनाम दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, नहीं, मैं कतई बुला के नहीं लाया हूँ, ट्रस्ट मी ओके, ट्रस्ट मी, मैं कतई भी बुला के नहीं लाया हूँ ओके। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन थी ही नहीं कि मैं इसको बुला के लाऊं, पर इसको बनाए रखने के लिए, मेरे साथ यहाँ रखे रखने के लिए मैं इसको कुछ दे देता हूँ, क्योंकि पता नहीं हैज नॉट अनलॉक्ड ट्रेडिंग, उसने अभी तक ट्रेडिंग अनलॉक नहीं किया, एंड वो मेरे साथ 35 टाइम्स फाइट करेगा, और अगर मैंने देन उसको कछु नहीं दिया तो उसका दिल टूट जाएगा। वेल टूट जान दो, इट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली, राइट? मेरे को मेरी क्विस्ट पूरी करनी है, दैट्स ऑल। तीन बार हरा दिया है, और थोड़ी देर बाद थोड़ा और हरा देती हैं, और इस ब्रादर को देख के मुझे नहीं लग रहा कि ये मेरे साथ अब और फाइट करना चाहता है, उसे फील हो रहा है कि नहीं मैं उसको और आई डोंट थिंक सो एक्चुअली, ना? नो आई कांट डू, यू आर फर्स्ट इन लीडर बोर्ड, या मतलब दर्द फील हो रहा है उस छोरे के लिए मेरे को एक्चुअली, ना? उसको रियलाइज हो चुका है कि भैया ये तो बहुत ही गलत फाइट है, मैं इसके साथ नहीं जीत पाऊंगा, उसको हो चुका है, उसको रियलाइज हो चुका है एक्चुअली, है ना? और ओके वाट एवर जो भी हो, आई गेस यही वो लोंडा है जिसके साथ मैं कर रहा था, तो मतलब क्या ये स्ट्रॉन्ग है? और यार डेफिनेटली ये उतना पावरफुल नहीं है, सो एंजॉय ब्रदर, एंजॉय एक्चुअली, क्योंकि मतलब मैंने तो जस्ट चाहिए था, वो मिला नहीं, तो तू ही रख ले इसको, यही छोरा था जो मेरे साथ फाइट कर रहा था, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली ओके। ब्रो तुझे चाहिए या फिर नहीं चाहिए, कैंसिल कर दूँ? मे भी वो उसे नहीं चाहिए, रहन देते हैं, इग्नोर हिम एक्चुअली, है ना? ऑलराइट, तो एक काम कर लेते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर, और इसको यू नो द ड्रिल एक्चुअली, है ना? थोड़े से अंडे घोल लेते हैं ब्रो, द लास्ट टाइम में देख, अगर आप रेडी नहीं किया ना, मैं भाड़ में जा साली कछु नहीं दे रहा तेरे को ओके। या ऑब्वियसली हैव फन ब्रोदर, हैव फन एक्चुअली ओके। बट ट्रेडिंग एज कम्प्लीट, वाट एवर जो भी हो, आई डोंट केयर, आ जाते हैं यहाँ पर, और यू आर राइट, मैं थोड़ा सा ये अंडा वंडा खोल लेता हूँ, क्योंकि ऑटो एच ऑन कर देते हैं, हाँ, और आट आट करके खोल लो, पहले ये देख लेते हैं भैया अपने को मिलेगा कहाँ, पहले इनकी स्ट्रेंथ देखना चाहूँगा मैं, और कैंसल ऑटो हैच प्लीज कर दो, क्योंकि अभी मेरे को और नहीं खोलने ओके। एंड यहाँ जाते हैं सिंपली, और अपने को क्या क्या मिला है अपने को, वो 400 स्ट्रेंथ ओके, उतनी ज्यादा ना है, बट स्टिल है कछु तो ओके। ह्यूज शैडो फैंग जो मेरे को आई गेस लास्ट एपिसोड में ही मिला था ओके, एंड इसकी स्ट्रेंथ है 500। कर्स डीमन जो लेजेंडरी है एक्चुअली, 4 point, डैम यार अपना लग सही है एक्चुअली, उतना भी बुरा नहीं है ओके, उतना भी बुरा नहीं है। बट भाई ये तीनों मिलेंगेगा अपने को, मैं इन्हीं की सोच रहा हूँ, एक काम कर लेते हैं, थोड़ी देर इसको अपन ऐसे ही ओपन करने के लिए छोड़ देते हैं, होप कर लेते हैं वी गेट समथिंग गुड। और आ जा ब्रोदर, आ जा, तू ही आ जा, एक काम कर, वैसे भी मेरी इन्वेंट्री भरी पड़ी है, या मतलब देयर पैट स्टोरी डज नॉट इवन, ओह ग्रेट, उसकी पैट स्टोरेज में जगह ही नहीं है, अदरवाइज मैं ब्रोदर तेरे को बहुत सारे बंदे देता, बट
या वट एवर क्या कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो भाई मेरे को ये तीनों नहीं चाहिए, इसको ऑटो एचिंग पे लगा देते हैं। बट उससे पहले यहाँ जाते हैं गिफ्ट वाले एरिया में, खोल लेते हैं, क्या पता लक मिल जाए। आ कम ऑन, मेरे को अंडा नहीं चाहिए था यार, कॉमन धू मन सा बुरा कर दिया सालों ने मेरा एक्चुअली, है ना। एक और खोल लेते हैं जिसके अंदर मेरे को, ओ ग्रेट, 2x लक बूस्ट मिल गया फाइनली। ऑल राइट, यहाँ आ जाते हैं और या यू नो द ड्रिल एक्चुअली, है ना। एंड वेल, ये मेरे हिसाब से काफी होना चाहिए, अपन लोगों ने काफी सारे अंडे ओपन कर लिए हैं और अब मेरे हिसाब से मेरे को कछु तो काम का मिला ही होगा, है ना, देखते हैं। चलो, तो अपने को मिला है ओके, ये तो ऑलरेडी मिल चुका था, उसके अलावा कुछ और कुछ काम का प्लीज, क्या है तो मेरा कटा नहीं है, मेरे को कुछ तो मिला है भाई, मैं बहुत देर से लगा हुआ हूँ यार, नहीं भाई मैं लिटरली इतनी देर से लगा हुआ हूँ, मेरी ये देखो तुम मेरी हेल्थ कितनी हो गई भाई, 4-0 तो हो भी गई है, उस बंदे के लिए 5 चाहिए थी, उसको अपन चाहें तो डिफीट कर भी सकते हैं, बट या कम ऑन भाई, बकायदा मेरे काट दिया इन लोगों ने, ठीक है। बट हाँ वही है फिर, मतलब मैं उम्मीद भी क्या कर रहा था मेरे को इनमें से कुछ मिलेगा, सीरियसली। ओके, एक काम है जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, अपन लोग आ जाते हैं यहाँ पर, जस्ट सिंपली इनमें से कुछ बंदों को डिलीट कर देते हैं, कुछ से मेरा मतलब इन सभी को, एंड मतलब मैं करूँगा भी क्या इनका एक्चुअली, है ना, तो जस्ट सिंपली डिलीट देम। ओ अच्छा, यहाँ से ओके, तो इन सभी को कर देते हैं डिलीट और अब लेट्स गो हियर और यू नो द ड्रिल एक्चुअली, है ना, यू नो द ड्रिल, इस बंदे को हटा देते हैं, मेरे को एक्चुअली ये वाला चाहिए, इसको अपन गोल्डन देन रेनबो या इसी ही तरह पावरफुल करेंगे। तो या अगेन स्टार्ट कर देते हैं अपना काम, और जब तक मैं ये करूँगा टेल अपनी यहाँ पर ये भी हो लेगी पावर, 5 चाहिए, 5 ओ देन अपन उस बंदे को डिफीट कर सकते हैं, भाई मेरे हिसाब से ये काम जल्दी हो जाएगा। एंड इसी के साथ अपनी इन्वेंट्री पूरी भर चुकी है, तो आ जाते हैं और पहले इन बंदों को कर लेते हैं गोल्डन, और देन मेरे हिसाब से ये पावरफुल बन जाएंगे, और अपने को सिर्फ लेजेंडरी ही बंदे मिले हैं, मतलब एक्सपेक्ट कि भैया कुछ अच्छा मिलेगा, बट हाँ या वो मेरे नसीब में कहाँ एक्चुअली, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, आ जाते हैं और मैंने अपने सारे बंदों को कर लिया है गोल्डन, और अब इनकी स्ट्रेंथ हो चुकी है 1000, और इन बंदों की है मेरी 3.8k, इवन दो ये मिथिकल है और ये लेजेंडरी है, तो ये एपिक है बट स्टिल इसकी पावर भाई इनसे ज़्यादा है, तो आई गेस ये अंडे वर्थ इट नहीं है कि अपन यहाँ पर रहें और इन पर वर्क करें, तो इग्नोर इट एक्चुअली, है ना। और वेल, क्या मेरे पास टोकन, या ऑब्वियसली नहीं है, है ना, या डेफिनेटली यहाँ पे मैंने कोई एक्सेक्ट, ओ अपन ये पूरी कर सकते हैं जिससे अपने को फिर बाद में भैया 450 XP मिलेगी, ये ट्राई किया जा सकता है एक्चुअली, है ना, ये डेफिनेटली ट्राई किया जा सकता है भाई, बहुत XP मिलेगी लिटरली, है ना। ओके, तो मैं एक बार यहाँ आ जाते हैं, और क्या मैंने यहाँ पर कुछ भी अनलॉक किया रियली, कोई बात नहीं आई गेस, ओके 20 XP मिल चुकी है, इवन दो अपने को क्लेम कर लेते हैं, और यहाँ अभी तक कुछ भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, 150 पर 1, 2, 3, अच्छा 450 वाली ले लूँगा तो मे भी क्या अपन 400 तक पहुँच पाएंगे, 4 रैंक तक, क्योंकि वहाँ जाने पर फिर कुछ अच्छा मिलेगा मेरे को उम्मीद है ऐसी एक्चुअली, है ना, देखते हैं वो भी देखते हैं 450, मैं इसमें देखूंगा ठीक है। बट अभी के लिए एक काम कर लेते हैं, निकल लेते हैं, या डेफिनेटली यहाँ रहना वर्थ इट नहीं है भाई, कतई नहीं है। ओके, तो चल लेते हैं अपन लोग एटलांटिस वर्ल्ड में, और हाँ या यू आर राइट एक्चुअली, चलते हैं और जाकर यहाँ के उस बॉस के नाल फाइट करते हैं जो जीउस, या जीउस के साथ फाइट करते हैं और चल लेते हैं अगले वर्ल्ड में, क्योंकि आई डोंट थिंक कि यहाँ ज़्यादा रुकने का कोई तात्पर्य है एक्चुअली, है ना, अगला वर्ल्ड है अपना वैसे भी का नाम, कोई बात नहीं, डिवाइन मेरे हिसाब से समथिंग लाइक दैट एक्चुअली, ठीक है। तो आ जाते हैं और मेरे हिसाब से मैं अब जीउस को हरा सकता हूँ, राइट, यस यस आई कैन, इवन हम दोनों की स्ट्रेंथ में 1 का फर्क है, बट ऑटो क्लिकर में बहुत ज़्यादा पावर होती है तो ये काम इजीली हो जाता है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, जीउस का गेम बजा लेते हैं और निकल लेते हैं अगले वर्ल्ड में, क्योंकि मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि यहाँ रुकने का अपने को मतलब नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर इससे फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगले वर्ल्ड के लिए अपने को चाहिए 12 ओ, तो या मैं तेरे ही साथ फाइट करूंगा थोड़ी देर। एंड इसी के साथ अपने पास इनफ पैसा हो चुका है अगले वर्ल्ड में जाने के लिए, तो
लेट्स गो, यहाँ रुक के करेंगे भी क्या, ठीक है अगले वर्ल्ड में चल लेते हैं जो है अपना डिवाइन वर्ल्ड, और वहाँ के पेट में भी बहुत पावरफुल होंगे क्योंकि वर्ल्ड का नाम है डिवाइन, मतलब होना चाहिए, ठीक है होना चाहिए, लेट्स सी होते हैं या नहीं होते। ओके सो वेल भैया, ये वर्ल्ड मेरे हिसाब से चमक धमक वाला होगा। ओके ये तो विधवा है पूरा भाई। ओके तो यहाँ जाते हैं और पहले देख लेते हैं इस वर्ल्ड में भैया कोई एनीमे कैरेक्टर है या नहीं, क्योंकि as you know भैया हर एक वर्ल्ड में एक एनीमे कैरेक्टर होता है। अभी तक तो सारे वर्ल्ड में मिले हैं और मे बी यहाँ भी कोई होगा जो मतलब हैरा। ओके ये अफसरा है मे बी कोई, अफसरा। ओके सही है, यहाँ पर है अपना हरक्यूलिस। वेल सही है भाई, एनीमे कैरेक्टर लाओ यार कोई। ये कौन है, थानातोस, व्हाट, इग्नोर इट, जस्ट इग्नोर हिम एक्चुअली ना। एंड ये है अपना हैडस। अबे है कौन है, और मेरे हिसाब से अपन लोग, ओ ये गॉड वर्ल्ड मेरे हिसाब से, और यहां भी ज्यूस है, वहां भी था यहां भी है, बहुत ही अच्छे, यप डेफिनेटली बहुत ही अच्छे। ओके बट यस डेफिनेटली ये जगह बड़ी ही सही लग रही है देखने में, तो एक काम कर लेते हैं लेट्स गो अगेन और स्टार्ट ग्राइंडिंग। और बाय द वे भैया इस वर्ल्ड के अंडों की कीमत क्या है मेरे को देखनी है, क्योंकि मी वांट टू बाय दैट अंडा। ओके क्या पता उसमें कुछ काम का मिल जाए, है ना। 25.50, माई गॉड कितना महंगा भाई। और यहाँ पर अपने को ये सब मिलेंगे, चलो ठीक है देखते हैं। बट भाई देखिए यहाँ के लिए क्या चाहिए, यहाँ कितनी पावर बीआईपी है मेरे पास, ऑफ कोर्स नॉट, चलो कोई ना इग्नोर मार देते हैं। और यार ये वाला मैं ले सकता हूँ, और भाई देखिए ये मैं नहीं ले सकता, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ अपने को मिल रहे हैं 644 QN, कम मिल रहे हैं ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से पहले वाले वर्ल्ड में जहाँ बाहर थे अपन वहाँ ज़्यादा मिल रहे थे एक्चुअली, है ना। गेट इट, मैंने कोई अपना पैट इक्विप्ड नहीं कर रखा, दैट्स वाई गेट इट। ऑलराइट वेल, मैंने अब अपने पैट्स इक्विप्ड कर लिए हैं, तो ओ यस 17.1 SP अब ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। यानी वेल भैया अपना 6.something O का जो टारगेट है वो तो हो जाएगा क्या भैया, हो गया। ओके 6.10 or 20 व्हाटएवर जो भी हो देख लेते हैं, एंड 15 एक्चुअली, गिव मी दैट, यप। एंड वेल हम अपने को मिल रहे हैं भैया 20.9 SP, और बाय द वे यहाँ पर मेरा कछु भी पूरा हुआ कोई टास्क एक्सेट्रा, वेल इसके लिए मेरे को और एक्चुअली 1500 डे ओपन करने पड़ेंगे, देखते हैं उसको, ठीक है। एंड यहाँ तो रहन देते हैं और एक काम कर लेते हैं, आ जाते हैं वापस से और यहाँ योर राइट ग्राइंडिंग कंटिन्यू कर लेते हैं। भाई देखो यहाँ स्पिन में आ जाते हैं, इवन तो क्या ही मिल लेगा यहाँ पर, हाँ नहीं मिल क्या जाएगा, 5% विंस, आह रहन दो मेरे को ये 600X वाला पैट चाहिए, इवन दो ये में इसकी पावर भी नहीं होती, बट बस मैं रखना चाहता हूँ इसको, क्योंकि मेरे को मतलब थोड़ा रेयर टाइप का लगा, तो दैट्स बाय एक्चुअली। ओके वेल लास्ट स्पिन और बची है, इसको भी घुमा डालते हैं, क्या ही मिल लेगा इवन दो उसमें, बट पड़ा है तो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एंड आई सपोज यहाँ से भी कछु नहीं मिला, रहने देते हैं, क्विस्ट में आ जाते हैं। और 2500 पावर वाला पैड जिसको मैं क्लेम H2X एग हो गया, पुश बोसिस रह रहा है, ओ अच्छा बॉस वाला ही रह रहा है, उसके अलावा एक सब पूरे हो चुके हैं ना, मैं ये ले सकता हूँ क्या, मेरे को इसकी नीड होने वाली है क्या, मेरे को चाहिए ये, लेट्स सी एक्चुअली, है ना। कमजोर वाले की स्ट्रेंथ ना एक्चुअली नहीं, मेरे को उसकी कोई भी नीड नहीं है, तो बाहर में जान देते हैं, ठीक है। एंड वेल मैं सोच रहा हूँ अब आ जाते हैं और कर लेते हैं अपन लोग रिवर्थ, क्योंकि या अपने को पावर चाहिए इस वर्ल्ड में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वी नीड पावर। ओके एंड बाय द वे रिपीट करो रिवर्थ, और या यू आर राइट एक्चुअली, है ना, अपने को यहाँ पर इन बॉसेस को डिफीट करना पड़ेगा जिससे अपने को मिलेगी विंस, और देन अपन लोग वेट इवन 1.14 O, यानी अपने को अपनी सारी नहीं जाएगी, अपन लोग कितनी सारी भी करके रख सकते हैं एक्चुअली, काइंड ऑफ एक्स है। ओ वेट मैं बहुत पावरफुल है छोरी यार, हेलो मैं कब बनूंगा इतना पावरफुल यार, और क्या मैं भैया काफ़ी सारी विन स्टैक कर सकता हूँ, और देन भैया एक साथ भैया काफ़ी सारी रिवर्थ कर सकता हूँ, अगर ऐसा है तो
आई वॉन्ट टू ट्राई दिस एक्चुअली, है ना। तो एक काम कर लेती हैं, थोड़ी देर ग्राइंड कर लेती हैं उस छोरी की स्ट्रेंथ थी 21 एक्चुअली, है ना। वेल, कोई भी डरने की बात नहीं है क्योंकि अब अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है भैया 43.20, यानी वेल मैं इस छोरी को आराम से डिफीट कर सकता हूँ और देन अपने पास काफ़ी सारी विंस आ जाएगी। Yes, you are right. A lot of wins actually, है ना, क्योंकि इसको डिफीट करके अपने को मिलेगी 21 wins. Actually 21 wins. Pretty impressive actually, है ना। तो पहले काम कर लेते हैं, पहले काफी सारी wins कर लेते हैं। Can I do a lot of rebirth? Finally, ऐसा कोई अच्छा वाला फीचर गेम वालों ने गेम में ऐड कर दिया जिससे अपन लोग काफ़ी सारी रिवर्थ कर सकते हैं भर मात्रा में एक्चुअली, है ना। और मैंने काम कर लेते हैं, यहाँ जाते हैं और पहले तो लेट्स बाय दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट एंड मे बी नॉट ऑब्वियसली एक्चुअली, है ना। एंड वेल आप अपने को मिल रहे हैं 43.6 SP, वेल काफ़ी सही एक्चुअली। ओके, एंड क्या भैया मैं इस हरक्यूलिस को डिफीट कर सकता हूँ? इसके लिए मेरे को चाहिए कितना चाहिए, मतलब आई वॉन्ट टू सी ज़्यादा नहीं है एक्चुअली, मैं ये थोड़ी ही देर में कर सकता हूँ एक्चुअली, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, अपन लोग आ जाते हैं और इस छोरी को थोड़ी देर डिफीट कर लेते हैं, देन काफ़ी सारी रिवर्थ करेंगे और तब तक अपने पास पावर भी हो जाएगी, है ना। एंड वेल मेरे पास अब हो चुकी है काफ़ी सारी विंस 678, यानी वेल पहले एक काम कर लेते हैं, आ जाते हैं और अपने लिए एक अंडा ओपन कर लेते हैं, क्या पता उसके अंदर कुछ और भी एपिक सा मिल जाए, ठीक है। एंड देन चलेंगे रिवर्थ करने या एक्चुअली, है ना। तो एक ही खोल के देखूंगा, पहले मेरे को जस्ट सिंपली इसकी स्ट्रेंथ देखनी है कि कितनी है और कितनी नहीं है और ये अंडा कितना सही लग रहा है। एंड पहले ट्राई में ही एपिक मिल गया, व्हाट द हैक, ये वाला प्रिटी गुड लक एक्चुअली, है ना। या मुझे पता है। एंड इसकी पावर है 840, भाई इन लोगों से डेफिनेटली ज्यादा। तो या इस अंडे में स्पेंड किया जा सकता है, बट पहले यस यू आर राइट, रिवर्थ अ लॉट ऑफ ओके, मतलब कहते ही खत्म हो गई भाई। छोड़ो, मैं रिवर्थ नहीं करूंगा, ठीक है। रिवर्थ करने से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, अपन अंडा ओपनिंग करेंगे क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा सही है। नॉट येट, ऑब्वियसली नॉट येट, मतलब या अपने को मतलब मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी बहुत सारी, मतलब अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है बट हो जाएगी। और बात है हैपनिंग हियर एक्चुअली, हाँ ये गेम बात बात पे बावला हो जाता है, नेवर माइंड। और बाय द वे भैया अब अपन लोग फाइट कर सकते हैं हरक्यूलिस के साथ, क्योंकि यह सब अपन लोग पावरफुल बन चुके हैं। और क्या मैं इस चैलेंजर को डिफीट कर सकता हूँ? कैन आई, मुझे फील नहीं हो रहा, बट उसकी स्ट्रेंथ मेरे से डबल है। एंड यस, ऑब्वियसली अपन उसको डिफीट नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ा पावरफुल है, ठीक है। बट वेल अपन कुछ और कर सकते हैं और उसका नाम है, यू आर राइट, इक्विपमेंट, देन पावर ज़्यादा मिलेगी ऑब्वियसली एक्चुअली, है ना। तो आई सपोज ये नहीं, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एंड क्या उतना मेरे को बेनिफिट दिखा नहीं इनमें एक्चुअली, है ना, बट ठीक है एक्चुअली, है ना। ऑलराइट, तो वेल अब मैं करने वाला हूँ कुछ और, यहाँ जाते हैं एंड ये तो अपने होते रहेंगे पूरे अवेलेबल। ओ डिफीट बॉस, बट उससे सिर्फ 15 XP मिलेगी भाई, क्यों ही बर्बाद करूँ टाइम एक्चुअली, है ना। एक काम कर लेते हैं, आ जाते हैं अंडा ओपनिंग वाले पर, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि उसके अंदर अपने को बेनिफिट मिल सकते हैं। तो लेट्स ओपन अ लॉट ऑफ एग, मेरी नज़र होने वाली है लिटरली बस इन 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 नीचे वालों पर, तो ऊपर वालों को कर देते हैं अनइक्विप्ड और लेट्स होप कि अपने को कुछ काम का मिल जाए। एंड वेल मेरे हिसाब से अपन लोगों ने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है इन अंडों के ऊपर, एंड प्लीज़ कह दो कि मेरे को इन तीनों में से एक भी मिल गया हो, भाई एक भी मिल गया ना, मैं लिटरली उसमें भी हैप्पी हो जाऊँगा। ओके, बस मिल गया हो, ठीक है, चलो देख लेते हैं। एंड वी गेट हेल स्पॉन, अपने को एक्चुअली दो मिल गए हैं, नॉट बैड, नॉट या रियली नॉट बैड एक्चुअली, है ना। चलो ठीक है, कछु तो काम का मिला। एंड अब बार यही देखने की भैया अपना ये टास्क पूरा, ओ भाई साहब लिटरली बस एक अंडा रह रहा है, डैम बॉयज,
इसे कहते हैं भाई लक एक्चुअली, है ना, मतलब वाह सिर्फ एक रह रहा था, वियर्ड एक्चुअली, है ना। ओके ये क्लेम कर लिया एंड अब मेरे हिसाब से मेरे पास काफी सारे यस डेफिनेटली बहुत हो गए। ओके तो यहाँ आ जाते हैं, टिकट क्लेम कर लेते हैं, 2x स्ट्रेंथ क्लेम कर लेते हैं, 2x विंस क्लेम कर लेते हैं, सीजन व्हाटएवर जो भी है ये भी क्लेम कर लेते हैं, जो एक अंडा और दो एपिक, वेट मिनट ये तो पहले वेट ये तो पुराने हैं ना, किस हेलो व्हाट द हेक भाई पुराना माल चेप रहे हैं यार ये लोग तो, या कम ऑन ये तो लिटरली नियायती बनाया करती यार, इसके लिए इतनी मेहनत की मैंने, वाह भाई वाह लिटरली वाह, मतलब वाह सही है। एंड 2x एग नहीं नहीं चाहिए, एग स्पीड नहीं चाहिए, विन बूस्ट ओके एग स्पीड दे दो एक्चुअली मेरे को, है ना भाई लिटरली मेरे को इतनी देर से मेहनत करवा रही थी इसके लिए, हाँ वियर्ड बट खैर चलो सही है जो भी हो। अपने को एटलीस्ट भैया इस वाले अंडे में से एक मिथिकल तो मिल गया, इवन दो इन दोनों की तो मेरे को उम्मीद भी ना है क्योंकि भाई कितने रह रही है देखियो एक बार, तुम्हें लगे ये अपने को कहीं से भी मिल सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे भाई, ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे ठीक है। सो वेल मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी होना चाहिए।